हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक कुमार उत्तम और स्वागत है आप सभी का मेरे रिव्यू चैनल पर। तो दोस्तों, ये है फिल्मी न्यूज का चौथा एपिसोड, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड से आई एक ताजा खबर के बारे में जो कि दिल दहला देने वाली है। देखो यार, अभी हाल ही में खबर आई है कि सलमान खान यानी कि अपने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है। कुल 5 गोलियां चलाई गई हैं। देखो यार, अभी सलमान खान ने कुछ दिन पहले अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट की थी कि वो शूटिंग शुरू करने वाले हैं और 2025 को ईद के दिन उनकी जो है मूवी देखने को मिलेगी सिकंदर। लेकिन अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। देखो यार, कुछ समय के लिए ही कैंसिल किए जाएंगे, लेकिन इंतज़ार लंबा होने वाला है और पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि सलमान खान पर फायरिंग हुई है, घर के बाहर 5 गोलियां चली हैं। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन खुदा न खास्ता अगर सलमान को कुछ हो गया तो उनकी सारी फिल्में तो वैसे ही डिब्बा बंद हो जाएंगी। फिलहाल हम निगेटिव बातें नहीं करेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या भरोसा। तो सलमान को सेफ रखने के लिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और गोली चलाने वाले को ढूंढा जा रहा है। साथ ही साथ उनके सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है, उसकी डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।